चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी डेटा को चुनाव आयोग को सौंप दिया था। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से एक दिन पहले यानी 14 मार्च को ही सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां हमने लिंक दिया है। मीडिया से बातचीत में चुनाव आयोग ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा उपलब्ध कराया था। अब बताते हैं कि इस लिस्ट में क्या है और क्या नहीं है। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उसमें 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक का सारा डेटा है, यानी इस बीच किस किस कंपनी ने पैसा दिया है ये सारा डेटा मौजूद है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर दो लिस्ट जारी की है। पहला कंपनियों का है, उन्होंने कब कितने का बॉन्ड खरीदा है। दूसरी लिस्ट राजनीतिक पार्टियों की है, उसमें ये दिया गया है कि पार्टियों ने कब कब कितने का बॉन्ड भुनाया है यानी कि रिडीम किया है। हालांकि इन दोनों लिस्ट को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता, यानी ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना दान दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को डेटा देने का निर्देश दिया था और चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इस डेटा को प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि 30 जून तक अतिरिक्त समय दिया जाए। तर्क यह दिया गया कि पार्टियों को मिले हर दान का मिलान करने के काम में समय लगता है, लेकिन कोर्ट ने उसकी ये मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड खरीदार का नाम, बेचे गए हर बॉन्ड की तारीख और उसकी राशि, किस पार्टी ने उसे कब भुनाया, ये सारी जानकारी 12 मार्च तक चुनाव आयोग को भेजने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए एसबीआई ने 12 मार्च को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा चुनाव आयोग को पेनड्राइव में सौंप दिया था। 2 पीडीएफ की फाइल उसमें उपलब्ध थी। अब 14 मार्च को चुनाव आयोग ने यह पूरा डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।